नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज है 21 अगस्त 2021। आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की GPD क्या पूछा गया है, भारत की GPD कितनी रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन है 8.4%, 7.4%, 6.4% और 9.4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9.4%। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखो, IND RD, इसका मतलब है इंडिया रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में GPT वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 9.4% किया है। कितना किया है? 9.4% किया है। पहले इंडिया रेटिंग ने 9.1 से 9.6 के बीच रहने का अनुमान लगाया था, पर अब ये फाइनलाइज कर दिया है कि 9.4% हम अपनी GPD को पहुंचा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। भारत हर साल किसकी याद में सद्भावना दिवस मनाता है? ठीक है, ऑप्शन है भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजीव गांधी। राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अब सद्भावना दिवस जो है मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? शांति और सद्भाव के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये राजीव गांधी जी हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी। भारत हर साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाता है। इस साल इनकी 77वीं जयंती मनाई जा रही है। उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना भी की गई थी। तो कब की गई थी? 1992 में सद्भावना पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने कहां नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे लेते हैं। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा हाईवे पहला EV फ्रेंडली हाईवे बन गया है? ऑप्शन है दिल्ली कोलकाता, दिल्ली चंडीगढ़, कश्मीर कन्याकुमारी, आगरा नोएडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सौर आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे बन गया है। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं तो उनको चार्जिंग के लिए एक मतलब प्लेटफॉर्म होता है या एक चार्जिंग पॉइंट होता है, तो वहां से वो चार्ज होते हैं। तो दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है उस पर बहुत सारे चार्जिंग के पॉइंट लगा दिए गए हैं, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को आसानी से चार्ज वहां पे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी अपनाने में दुनिया का कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? ठीक है, कौन सा देश दूसरे स्थान पर सेकंड नंबर पे है? ठीक है, ऑप्शन है वियतनाम, अमेरिका, भारत, UK। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी भारत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया इस साल का। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो गया? हमारा वियतनाम हो गया, और सेकंड नंबर पे कौन हो गया? भारत हो गया। जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी अपनाने में 880% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो भारत है वो लगभग 900% होने वाला है ये। ठीक है, तो 9 गुना लगभग वृद्धि हुई है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अमेजोन एलेक्सा को किसकी आवाज प्रदान की गई है? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, अमिताभ बच्चन।
अब देखिए, ये अमिताभ बच्चन जी हैं। अमेजोन ने अमिताभ बच्चन की आवाज को यूजरों को खुश करने के लिए, अमिताभ बच्चन की आवाज देखो करोड़पति और बहुत सारे क्या नाम है कोविड के जो दिशा निर्देश वगैरह मोबाइल पर तो उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन बहुत पॉपुलर फेमस है, इसमें कुछ बताने का खास नहीं है, ठीक है ना। तो अमिताभ बच्चन की आवाज को यूजरों को खुश करने के लिए नए यूजर को गूगल असिस्टेंस और एप्पल की सीरी पर अपने आवाज का यूज करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो किसकी आवाज है? अमिताभ बच्चन जी की आवाज है। भारत ने किसके सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? भारत ने किसके सहयोग से, ये पूछा गया, तो आपको उसका नाम बताना, किसकी हेल्प ली है। ऑप्शन है यूएई, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र और नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब इस क्वेश्चन की डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए यूएन के सहयोग से यूनाइट अवेयर तकनीकी मंच लॉन्च किया है, ठीक है। इसे यूएन के मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। शांति अभियानों के लिए महासचिव कौन है? जीन पियरे लाक्रोइक्स। और स्थापना कब हुई थी? मार्च 1992 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है मच्छर दिवस, हाथी दिवस, फोटोग्राफी दिवस, मानवतावादी दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मच्छर दिवस। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाएगा? मच्छर दिवस, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको सारे दिवस अगस्त माह के रिवाइज नहीं कराऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप इससे पहले की वीडियो देखिए, जैसे कि 17 अगस्त, मतलब इससे पहले जितनी वीडियो आई है उनको देखिए। उसमें मैंने सभी दिवस हर बार मैंने रिवाइज किए कराए आपको, ठीक है। तो आप उन वीडियो को देखिए जिससे कि आपको चीजें कनेक्ट कर सके आप लोग। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल जान लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस, तो विश्व मच्छर दिवस जो है 1987 में ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड्स रॉस ने मच्छर पर रिसर्च किया था। कब किया था? 1987 में। इसी साल हाइजीन और टपेलियन मेडिसिन ने 20 अगस्त को इस दिन को मनाने के लिए घोषणा कर दी थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। क्यों मनाया जाता है? लोगों को जागरूक करना कि मच्छर से ये बीमारियां होती हैं। हर साल 1 मिलियन से अधिक लोगों की मौत मच्छरों के काटने से होती है। ओ देखो, 1 मिलियन, मतलब कि कितना हो गया 1 मिलियन? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। दुनिया की 40% आबादी ऐसी जगह पर रहती है जहां मच्छरों का खतरा अधिक है, ठीक है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, क्या रोकथाम करने हैं हमें मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना, ये सब आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इसको रीड कर लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में कितने सशस्त्र बलों की महिला टीमों ने माउंट मणिरंग, किसकी बात हो रही है? माउंट मणिरंग को फतेह किया है, ठीक है। कितने सशस्त्र बलों की महिला टीमों ने? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, ए ऑप्शन इज राइट। अब ये जो है इन्होंने फतेह किया है, ये है मेजर सौम्या शुक्ला जी, ठीक है। 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व वायुसेना के विंग कमांडर भावना मेहरा, किसने किया है, मतलब इनका क्या नाम है, नेतृत्व किसने किया है? वायुसेना के विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया है। ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में माउंट मणिरंग पर्वत को फतेह किया है, ठीक है। माउंट मणिरंग पर्वत कहां पर है? एक देखो, एक और क्वेश्चन बन गया आपका, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम, किसकी बात हो रही है? सीएम की, सीएम पूछे गए हैं, देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है या करेंगे? ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, दिल्ली। अब देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल जान लेते हैं। ये हमारे सीएम है वहां के, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। ये जो है टावर है जो बन रहा है, जो कि स्मॉग को, मतलब जो भी धुआं वगैरह होता है उसको, वायु को प्योरीफाई करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त को कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे।
ये टावर एक सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा। ठीक है, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल हैं अनिल बेजल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0, किसकी बात हो रही है, डिस्क 5.0, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, राजनाथ सिंह, ये राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है डिस्क 5। ठीक है, पढ़ लेते हैं डिटेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किया, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आपने पढ़े हो, हमारी वीडियो देखी हो तो देख लीजिए। ठीक है, नहीं देखी हो तो देख लीजिए। ठीक है, अब अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अक्षय ऊर्जा है 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। ठीक है, अब अक्षय ऊर्जा क्या होती है, अक्षय ऊर्जा जो होती है कि पेट्रोल वगैरह का यूज नहीं करना है हमें, मतलब जो खुद हमने बनाया है, जैसे कि बायोफ्यूल है, पेड़ों से हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि विंड एनर्जी होती है, हवा से हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, ना ही ये नष्ट होगी। सोलर एनर्जी है, सूर्य की जो रोशनी है उससे सोलर एनर्जी का यूज करके हम अपने वाहनों को और भी चीजों को, लाइट वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है अक्षय ऊर्जा होती है जिसके लिए हम खुद अक्षय हैं। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर ऊर्जा बचाने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लिया गया है, इसलिए अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, लोगों को याद दिलाने के लिए। चलिए, यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, इट्स रिवीजन टाइम। फटाफट से हम एक मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, हाँ फटाफट से रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स के वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत ने की जीपीडी कितनी रहने का अनुमान रखा गया है, तो 9.4% जीपीडी रखने का अनुमान रखा गया है। ठीक है, पहले जो इसकी रखा गया था, अनुमान रखा गया था 9.1 से लेकर 9.6 के बीच रखा गया था, पर बाद में इसको फिक्स कर दिया गया, इंडिया रेटिंग को 9.4% कर दिया गया है। भारत हर साल किसकी याद में सद्भावना दिवस मनाता है, ऑप्शन है भगत सिंह, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 77वीं जयंती पर मनाया गया था, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने कहां नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईटी हैदराबाद। ये कौन है, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में उद्घाटन किया है, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान और नवाचार केंद्र के उद्घाटन करेंगे यहाँ पे। हाल ही में भारत का कौन सा हाईवे पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे ईवी फ्रेंडली हाईवे बना है, इसमें चार्जिंग पॉइंट लगा दिए इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए। ठीक है, डिटेल पढ़ सकते हैं। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी अपनाने में दुनिया का कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहा है, ऑप्शन है, सॉरी आंसर है इसका भारत। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका वियतनाम है और सेकंड नंबर पे भारत हो गया। 880% की वृद्धि हुई है 2020 से लेकर 2021 के बीच में क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत में। ठीक है, पहले नंबर पे वियतनाम है आपका, सेकंड नंबर पे आपका कौन है, भारत है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, भारत में अमेजोन एलेक्सा को किसकी आवाज प्रदान की गई है, इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन की आवाज प्रदान की गई है। गूगल असिस्टेंट्स और एप्पल के सीरी में आवाज किसकी रहेगी, अमिताभ बच्चन जी की रहेगी। भारत ने किसके सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, क्या यूज किया, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से हमने क्या बनाया है, अपना सहयोग बनाया है, किसका, यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, इस डिटेल को हम पढ़ सकते हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र ने शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए यूएन के सहयोग से यूनाइट अवेयर तकनीकी मंच लॉन्च किया है। यूएन के मुख्यालय में विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री जय शंकर की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है। शांति अभियानों के महासचिव कौन है, जीन पियरे लाइक्रोइस, स्थापना हुई थी मार्च 1992 में और मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में।
20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? मच्छर दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसकी जो जो 1887 में इस पर रिसर्च किया गया था और 20 अगस्त को यह घोषणा 20 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हर साल मच्छरों के काटने से हो जाती है, इसके ये रोकथाम और बचाव वगैरह लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। कितने सशस्त्र बलों की महिलाएं टीमों ने माउंट मणिरंग को फतेह किया है? 3 सशस्त्र बलों की महिलाओं ने माउंट मणिरंग को फतेह किया है। ये आपके कौन है जिन्होंने फतेह किया? मेजर सौम्या शुक्ला जी हैं। ठीक है, इसकी मेजबानी या नेतृत्व किसने किया है? भावना भावना मेहरा ने किया है, वायुसेना के विंग कमांडर भावना मेहरा ने इसका नेतृत्व किया है। यह हिमाचल प्रदेश में माउंट मणिरंग पर्वत है जिसको फतेह किया था 15 अगस्त 2021 को। किस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम ने पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के सीएम ने। ठीक है, ये जो स्मोक टावर है वो 1 सेकंड के अंदर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा को साफ करेगा। सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल हैं अनिल बेजल जी, और सीएम ने ये जो टावर की घोषणा की है वो 23 अगस्त को की है। कब की है? 23 अगस्त को की है। ठीक है, हाल ही में किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 5.0 लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा आप जानते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर ऊर्जा बचाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लिया जाता है, इसलिए अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना प्यार और आपका सहयोग ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद।